नमस्कार और स्वागत मेरा नाम है ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल क्लिनिक बाय ललित यूनाइटेड नेशंस में आज हम बात करेंगे ह्यूमन राइट कमीशन और ह्यूमन राइट काउंसिल की तो बिना किसी देरी के चलिए करते हैं वीडियो को शुरू ये है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का ऑफिस बहुत ही शानदार ऑफिस है इसको मैंने इसकी छत से याद किया था कि बहुत ही शानदार इसका रूफ टॉप है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है बहुत ही शानदार शहर और बहुत ही शानदार कंट्री और बहुत ही शानदार ऑफिस इसके बारे में अगर बात करें तो यू को अगर डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो ये वो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूएन की जिसका काम है प्रोमोशन और प्रोटेक्शन करना ह्यूमन राइट को अराउंड द ग्लोब और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें दोस्तों तो ये पहली बॉडी नहीं थी जी हाँ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल पहली बॉडी नहीं थी पहली बॉडी बनी थी फरवरी 16 1940 को और उसको कहा जाता था कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स जब 1945 में पहली बार यूएन का गठन हुआ तो उसके ऑर्गन्स बने जैसे सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी तो सॉक ने एक कमेटी को अपॉइंट किया जिसको जनरल असेंबली ने अप्रूव किया फरवरी 16 1940 को और इस कमेटी को कहा गया कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि ह्यूमन राइट right पर पहली बॉडी यूएन की कौन सी थी तो ह्यूमन राइट काउंसिल नहीं थी कमीशन ऑन ह्यूमन राइट वॉज दी फर्स्ट बॉडी लेकिन ये बॉडी फेल हो गई और क्योंकि इसके जो मेंबर्स थे उन पर ही ये इल्जाम लगा कि उनके ही देशों में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वर्ल्ड के लीडर्स दोबारा मिले 2005 में सितंबर 14 से 16 के बीच में और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट को अडॉप्ट किया इस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है 2005 वर्ल्ड समिट आउटकम इस डॉक्यूमेंट के बेस पे जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिस रेजोल्यूशन का नंबर है 60 ऑफ लीग और इसी के बेस पे ह्यूमन राइट काउंसिल का गठन हुआ जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और जिसने बेसिकली कमीशन ऑन ह्यूमन राइट को रिप्लेस कर दिया यानी कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट खत्म हो गया और उसकी जगह आ गया ह्यूमन राइट काउंसिल इसके आने का जैसा मैंने बताया कि एक ही मकसद था क्योंकि जो मेंबर स्टेट थे वो नोटोरियस थे बहुत ही ज्यादा उनके ऊपर इल्जाम लगते थे कि उनके यहाँ ह्यूमन राइट right के वायलेशन होते हैं यू का जब गठन हुआ तो उसको ये काम दिया गया कि वो इन्वेस्टिगेट करे कि कोई भी एलिगेशन ह्यूमन राइट वायलेशन का अगर आता है तो उसको वो चेक करे और एंश्योर करे कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड असेंबली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ बिलीव एंड रिलीजन वुमेन्स राइट एलिजीबिलिटी राइट एंड राइट ऑफ रेशल एंड एथेनिक माइनोरिटीज को वो प्रोटेक्ट करे ह्यूमन राइट काउंसिल के अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर फोर्टी सेवन मेंबर्स ये ध्यान रखना कि ये मेंबर्स कैसे बनते हैं इसमें से दोस्तों तेरह मेंबर आते हैं बेसिकली अफ्रीकन ग्रुप से तेरह मेंबर आते हैं एशियन ग्रुप से छह मेंबर्स आते हैं ईस्टर्न यूरोप से आठ मेंबर्स आते हैं लेटिन अमेरिका एंड कैरेबियन ग्रुप से और सात मेंबर आते हैं वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर ग्रुप से ये इसका कंपोजिशन है मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है सीक्रेट बैलेट के द्वारा और मेंबरशिप बेसिकली ओपन है जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं वो सब मेंबरशिप के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं मेंबर्स को टर्मिनेट भी किया जा सकता है अगर टू थर्ड मेजोरिटी ये कहे कि उनके वहां पे सिस्टमेटिक वायलेशन हुआ है ह्यूमन राइट्स का हर मेंबर का टेन तीन साल का होता है और इमीजिएट री इलेक्शन मेंबरशिप में अलाउड नहीं होता जो पहला इलेक्शन हुआ था वो मे नो दो को हुआ था ये डेट याद कर लेना कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम आइए अब बात करते हैं फंक्शन और ह्यूमन राइट काउंसिल तो जैसा कि इसके नाम में जाहिर है तो भाई क्या करता होगा ये ये ह्यूमन राइट right को प्रोटेक्ट और प्रमोट करता होगा तो पहला काम क्या है ह्यूमन राइट right की एजुकेशन और लर्निंग देना 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 एडवाइजरी सर्विसेज टेक्निकल असिस्टेंट जितने भी मेंबर इसके और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जिस प्लेटफॉर्म पर बात हो सके ह्यूमन राइट एक्टिविटीज को लेके इसका ये भी काम है कि ये जनरल असेंबली को रिकमेंडेशन दे ताकि जनरल असेंबली इंटरनेशनल लॉ को बना सके फॉर द ह्यूमन राइट्स और इसका यह ये भी काम है कि जो भी डिसीजन ह्यूमन राइट से रिलेटेड लिए जाते हैं जो भी गोल्स और कमिटमेंट सेट किए जाते हैं ये इंश्योर करे कि उसका पूरा इंप्लीमेंटेशन हो अराउंड द ग्लोब और इसका ये ये भी काम है कि ये एक यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू करे ऑन द बेसिस ऑफ द कमिटमेंट ऑफ ऑल दी मेंबर स्टेट यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के बारे में अभी थोड़ी देर में हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे इसके बाद इसका काम है कि ये डायलॉग और कॉपरेशन के द्वारा ह्यूमन राइट वायलेशन को रोके और जहां भी कहीं ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं और इमरजेंसी की सिविल सोसाइटी के, के, right के, के साथ काम करे इसका ये भी काम है कि ये रिकमेंडेशन फॉर दी प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट और फाइनली ये एनुअल रिपोर्ट सबमिट करे जनरल असेंबली को तो ये ह्यूमन राइट right काउंसिल के सारे फंक्शन हैं जो वो करता है आइए अब बात करते हैं ह्यूमन राइट काउंसिल की बॉडीज की जी ह्यूमन हाँ, राइट right के अंडर बेसिकली चार बॉडीज आती हैं। पहली यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू सेकंड कंप्लेंट प्रोसीजर तीसरी एडवाइजरी कमेटी और चौथी स्पेशल प्रोसीजर आइए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू की जैसा की इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है की ये एक पीरियोडिक रिव्यू है यानी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिव्यू किया जाता है किस चीज ह्यूमन राइट right के सिचुएशन को इसको बेसिकली अडोप्ट किया गया था जून 18 2007 को सबकी कंसेंसस के द्वारा सबने बोला था कि हाँ यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए और इसके रेजोल्यूशन का नंबर था फाइव ओबली वन इसका काम क्या है बेसिकली जितने भी मेंबर स्टेट है अब वन मेंबर्स है उन सबको हर चार साल बाद एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है अपने यहाँ ह्यूमन राइट पे वो क्या काम कर रहे हैं कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं कैसे प्रमोट कर रहे हैं और इसी हिसाब से 48 स्टेट्स को हर साल रिव्यू किया जाता है ये रिव्यू बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है हर देश के लिए कि वहां की ह्यूमन राइट सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सके किसी को कोई सपोर्ट की जरूरत है किसी को एडवाइस की जरूरत है गाइडेंस की जरूरत है तो वो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के जरिए पता लग जाता है और यूपीआर ये भी इंश्योर करता है कि, कि कितनी कंट्रीज है जो अपने यहाँ पे एक्चुअली में ह्यूमन राइट right को प्रमोट कर रही है और कितनी कंट्रीज है जो सिर्फ दिखावा कर रही है तो ये है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू आइए जानते हैं सेकंड बॉडी के बारे में जो है कंप्लेंट प्रोसीजर जून 18 2007 को इसी को अडॉप्ट किया गया था और इसका भी रेजोल्यूशन नंबर सेम है 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 इसका काम क्या कि कि ये इंश्योर करता है कि कहीं पर भी अगर ह्यूमन राइट right का वॉयेशन हो रहा है कहीं पर भी अगर फंडामेंटल फ्रीडम का वॉयेशन हो रहा है तो ये उस पैटर्न को एड्रेस करता है उसको देखता है कि वो कैसे हो रहा है और उसके रूट कॉज क्या है और ये एक कंप्लेंट प्रोसीजर है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति कोई भी ग्रुप कोई भी एनजीओ जो कि क्लेम करता है कि वो ह्यूमन राइट वायोलेशन का विक्टिम है रिपोर्ट सबमिट कर सकता है यूनाइटेड नेशन में आइए बात करते हैं एडवाइजरी कमेटी की एडवाइजरी कमेटी को सेप्टेम्बर दो किया गया और इसका रेजोल्यूशन का नंबर था फाइव ओबलीग वन ये बेसिकली एक एक्सपर्ट एडवाइज कमेटी है जो ह्यूमन राइट्स को लेकर बताती है इसकी पहली मीटिंग जो हुई थी वो अगस्त 2008 में हुई थी अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 18 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होते हैं जो कि वर्ल्ड के कोने कोने से लिए जाते हैं इनको इलेक्ट करता है काउंसिल और गवर्नमेंट इनको बेसिकली साल के लिए इलेक्ट किया जाता है और एक बार इनका री इलेक्शन पॉसिबल है यानी सिर्फ दो बार के लिए ये मेंबर चुने जा सकते हैं अगर एडवाइजरी कमेटी के काम की बात करें तो ये एक्सपर्ट ओपिनियन प्रोवाइड कराता है उसी फॉर्म उसी मैनर में जिस मैनर में चाहिए कोई भी कंसिडरेशन है कोई भी अप्रूवल्स है कोई भी रिसर्च है एडवाइजरी कमिटी उसको पुट फॉरवर्ड करती है ह्यूमन राइट काउंसिल के आगे और इसका काम है इम्प्लीमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट आइए बात करते हैं लास्ट प्रोसीजर की जो है स्पेशल प्रोसीजर जैसा की इसके नाम से ही पता लग रहा है ये एक स्पेशल प्रोसीजर है और ये तभी काम में आता है जब ये पता लगे कि वर्ल्ड के किस हिस्से में ह्यूमन राइट right का वोलेशन हो रहा है और यदि उसी हिस्से में ह्यूमन राइट right को समझने की सिचुएशन को करने की जरूरत है प्रोसीजर तो के -H -H इसके बारे में हम में करेंगे. ये पावर दी जाती है कि जिस कंट्री में ह्यूमन राइट right का वॉयलेशन हो रहा है ये उस कंट्री में विजिट कर सकते हैं या अपनी एक्सपर्ट टीम भेज सकते हैं और सिचुएशन को असेस कर सकते हैं तो दोस्तों ये हो गया ह्यूमन राइट right काउंसिल कंप्लीट यदि आपको वीडियो अच्छा लगा नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपके कोई कमेंट्स हैं कोई सजेशन है कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और यदि आप लॉ के एग्जाम्स को लेकर जुडिशरी के एग्जाम्स को लेकर कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्वस्थ रहिए सशक्त बनिए जय हिंद जय भारत